अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो जो आज हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है। तो आज हम बना रहे हैं बिरयानी, बीफ बिरयानी। और जो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बीफ का गोश्त लिया है हमने 1 किलो, 3 प्याज लिएंगे मीडियम साइज़ के, टमाटर लिएंगे मीडियम साइज़ के 3, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून, और शान बिरयानी का पैकेट लिया है पूरा 1। अब हम प्याज को लाल कर लेंगे। 1 कप ऑयल लिया है इसमें। अब हम प्याज डालेंगे, अब प्याज को लाल कर लेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी मसालेदार वीडियो को इतना पसंद किया, थैंक यू। मुझे बताइएगा मैं नेक्स्ट डिश कौन सी बनाऊँ, ये भी आप लोगों को पता है, तो उसी के लिए हाथ से बताइएगा कि मैं क्या बनाऊँ। मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं प्याज लाल होने वाला है, बस जैसे ही लाल होगा तो हम हाफ निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं प्याज लाल हो चुका है, अब हम आधा निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा इसी में रहने दिया है। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा ब्राउन हो जाए। ये ब्राउन हो चुका है, अब हम टमाटर डाल देंगे और इसे इतना पकाएंगे लो फ्लेम पे कि ये थोड़े गल जाए टमाटर और इसका पेस्ट बन जाए। कर देते हैं, अब ढक के रख देंगे हम लो फ्लेम पे। अब मुलाकात होगी 10 मिनट बाद। ये देख सकते हैं ये हो चुकी है, हम ढक्कन लगा के देखेंगे हुआ है कि नहीं। देख सकते हैं इसका अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब हम गोश्त डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसके साथ। इसी के साथ हम दही डाल देंगे, मैंने 1 प्याली दही ली है, मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, हम दही भी शामिल कर दी हमने। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल देंगे पूरा 1 पैकेट। हरी मिर्चें डालेंगे, 6-7 ली है मैंने, आप तो चाहें तो डालें लेकिन चाहें तो नहीं डालें, इससे थोड़ी और चटपटी हो जाएगी इसलिए मैंने डाली है, आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोग चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं, अगर नहीं चटपटा खाना पसंद करते तो नहीं डालिएगा। और इसे इतना पकाएंगे कि दही का पानी अब खुश्क हो जाए। फ्लेम जो है लो टू मीडियम है। ये देख सकते हैं हमारा सालन तैयार हो चुका हैगा, मैंने इसमें मूंगी हरी मिर्ची भी डाल दी है, आप लोग डालना चाहें तो डाल दीजिएगा। इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे इसकी। देख सकते हैं चावल बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसकी तेल लगाएंगे। मैंने पहले चावल की लेयर लगाई है, अब इसके ऊपर हम जल्दी का रंग डालेंगे यानी येलो फूड कलर। आप लोगों की मर्जी, आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद से आप लोग डाल सकते हैं। अब फ्राई हुई हुई प्याज डालेंगे हम,
इसके ऊपर हम सालन डाल देंगे। जिस तरह हमने पहली लेयर लगाई है इसी तरह हम दूसरी भी लेयर लगा लेंगे। अब जिस तरह हमने पहली लेयर लगाई थी इसी तरह हम दूसरी भी लेयर लगा लेंगे। चावल रख देंगे, येलो फूड कलर डालेंगे। अब हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब तली हुई प्याज डाल देंगे हम। मैंने लेमन के स्लाइसेस भी रखे हैं, इससे खट्टापन नहीं आता लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते आप लोग रखना तो नहीं रखिएगा। अब इसके ऊपर हम सालन की लेयर लगा देंगे। अब हम इसको पंद्रह मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। दम लगा रहेंगे अब हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। देख सकते हैं आप लोग, मज़ेदार बीफ बिरयानी तैयार है। और ऐसे अच्छी अच्छी डिशेस और मज़ेदार डिशेस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड आप सबको